नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारे जो कार होते हैं उसमें एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगे होते हैं, तो ड्राइवर साइड का जो डोर है हम लॉक अनलॉक करते हैं तो सारे डोर लॉक अनलॉक हो जाते हैं, या फिर कुछ कार्स में बटन रहता है लॉक अनलॉक करने का ड्राइवर डोर में, तो वो हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे डोर है ये लॉक और अनलॉक हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या प्रॉब्लम आता है, ये जो सिस्टम है किसी डोर की बंद पड़ती है, तो सेम प्रॉब्लम इस गाड़ी में हुआ है। तो इसमें बाकी सारे डोर ऑपरेट हो रहे हैं लेकिन इस डोर का लॉक है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। अभी आगे का डोर देखो, वो बटन ऑपरेट करने के बाद वो एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये देखो लॉक अनलॉक हो रहा है। ठीक है, उस साइड का भी हो रहा है, सिर्फ ये है ये नहीं हो रहा है, ये देखो करो लॉक अनलॉक। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है ये किस तरह मतलब सॉर्ट आउट करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं और रिपेयर कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डोर का ये जो पैड है ये निकालना है हमें। इधर एक स्क्रू है ये देखो और इधर एक स्क्रू है, दोनों स्क्रू निकाल देता हूँ और खींचता हूँ तो पैड बाहर आ जाएगा। एक पैड हमने निकाल दिया तो ये लॉक आपको दिख रहा होगा, इसमें एक कपलर लगा हुआ है। ठीक है, तो कपलर हमें सबसे पहले निकालना है। ठीक है, और इसमें हमें वोल्टेज आ रहा है कि ये सबसे पहले चेक करना है। वोल्टेज अगर आता है तो हमारा वायरिंग वगैरह सब ओके है, फ्यूज़ वगैरह सब ओके है, नहीं और नहीं आ रहा तो वो सब चेक करना पड़ेगा। आ रहा है तो सब बाकी ओके है, तो लॉक खोलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी ऑपरेट करने जाओ, लॉक अनलॉक करो। देखो अभी लॉक अनलॉक पर वोल्टेज आना चाहिए लगभग 7-8 वोल्ट तक। ठीक है, एकदम प्रॉपरली वोल्टेज आ रहा है, मतलब वायरिंग का वगैरह कुछ इशू नहीं है इसमें, ये लॉक का इशू है। तो अभी लॉक हमें खोलना पड़ेगा। लॉक खोलने के लिए ये क्या है, 3 इधर स्क्रू दिए हुए, ये खोल दोगे तो लॉक बाहर आ जाएगा। तो इसकी असेंबली अभी बाहर निकाल दी हमने। ठीक है, तो अभी केबल वगैरह इसमें लगे हुए हैं उसको पहले डिसकनेक्ट कर लेते हैं, और इसमें जितने भी सारे स्क्रू दिख रहे हैं वो हमें निकालने हैं। ठीक है, ये देखो ये स्क्रू सारे हैं, ये निकालने हैं। सबसे पहले केबल निकाल देता हूँ, देखो केबल्स निकल गई, ये जो स्क्रू है ये भी निकल जाएंगे। और साइड में आप देख रहे हो जितने भी स्क्रू है, लगभग 8-10 स्क्रू हो गए, वो सारे मैं निकाल लेता हूँ। सारे स्क्रू निकाल देने के बाद एकदम इजीली ये आप खींचोगे ना तो पूरी असेंबली बाहर आ जाती है। तो कुछ एक्चुएटर इधर है, इसके अंदर के गियर्स वगैरह सब रहते हैं। ठीक है, ये इसका मेन लॉक रहता है, तो ये सब निकल दिया। अभी हमारा फोकस है ये मोटर पे है, क्योंकि ये जो मोटर काम करती है तभी लॉक अनलॉक होता है। तो मोटर जाम हुई होगी, बहुत सी केसेस में मोटर जाम होते हैं और लोग एक मोटर के लिए डायरेक्ट पूरा लॉक बदल देते हैं। तो मोटर रिपेयर होती है क्या पहले देखना पड़ेगा, नहीं होती है तो ठीक है, तो लॉक बदलना एक जाहिर सी बात है, लेकिन पहले ट्राई करना चाहिए रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो मोटर में बाहर निकालता हूँ, ये देखो ये मोटर निकालती है, इसके ऊपर एक वॉशर है, ये देखो ये जाम है एकदम, तो कैसे घूमेगी इतनी जाम है। तो ठीक है, तो अभी क्या, अभी इस पर थोड़ा सा स्प्रे वगैरह मार के मैं इसको फ्री करने की प्रोसेस करता हूँ। फिर WD-40 या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर वगैरह स्प्रे मार के आप फ्री कर सकते हो। नहीं हो रही तो पक्कड़ से थोड़ी घुमाने की कोशिश करेंगे, ये देखो पक्कड़ से घूम गई, अभी घूम रही है, थोड़ी जाम घूम रही है, फिर थोड़ा स्प्रे मार के इसको फ्री करेंगे। ये देखो अभी फ्री हो गई है, ये थोड़ा सा निकल रहा है तो उसका कुछ टेंशन नहीं, इस तरह बैठ जाता है। अभी डायरेक्ट बैटरी पे 12 वोल्ट की लगा के चेक करेंगे, घूम रही है नहीं घूम रही, नहीं घूम रही है तो आप खाली मोटर भी बदल सकते हो। ये देखो मोटर एकदम प्रॉपर फ्री हो गई, मोटर का काम हो गया, तो हमारा जो 99% काम है रिपेयरिंग का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लगाना है, जितने भी गियर्स दिख रहे हैं आपको उस पर मोटर लगा दी पहले, इसके बाद इस गियर पे थोड़ा ग्रीस लगा दिया, इधर जिधर आपको दिखाई दे रहे हैं मैकेनिकल पार्ट उधर आपको ग्रीस लगाना है। ठीक है, ये भी लग गया, और इसको लगाने में मतलब ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है लगाना ये वाली। ठीक है, ये देखो इस तरह बैठ जाता है, आपको देखने के बाद पता चलता है किधर खाँच है इसकी,
सेम उस कांच में वही वाला गियर बैठ जाता है। ठीक है, ये लॉक है, ये देखो ये इसका वर्किंग पार्ट है। इस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेता हूँ ताकि इसकी वर्किंग है वो स्मूथ हो जाए। इस साइड में थोड़ा सा लगा लेता हूँ। इसको क्या हम बाहर से भी लगा सकते हैं, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसको फिट करना है हमें, तो फिट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो ये लॉक है एकदम प्रॉपरली जैसे हमने निकाला था उसी तरह लगाना है। ठीक है, अभी देखो मोटर की जो पिन वगैरह है वो लगी क्या देखनी है, ज़्यादा मतलब ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लगाना है, इतना आराम से लगाना है तो लग जाता है। ये देखो एकदम आराम से लगाया, एकदम प्रॉपरली लग गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी सब स्क्रू वगैरह लगा देता हूँ और चेक करेंगे। देखो लॉक वगैरह सब फिट कर दिया, उसके केबल्स वगैरह थे वो सब लगा दिए, और अभी ऐसे केबल लगा के रखा हुआ कनेक्टर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए। तो अभी लॉक अनलॉक का बटन ऑपरेट करके देखते हैं। करो ऑपरेट। ये देखो अभी प्रॉपरली लॉक अनलॉक हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिटिंग कर देंगे जैसा था वैसे। तो इस तरह हमारा ये जो डोर लॉक है, ये डोर लॉक रिपेयर हो गया। ज़्यादा प्रॉब्लम रहता नहीं है जब लॉक अनलॉक नहीं होता, मोटर का ही प्रॉब्लम रहता है। मोस्टली केसेस में मोटर ही जाम रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक गाड़ी का आप लॉक खोल के रिपेयर कर सकते हैं। कुछ गाड़ी का जो लॉक है वो प्रॉपरली सील्ड होता है, मतलब उसमें स्क्रू वगैरह नहीं लगे होते तो वो खोल नहीं सकते, इसलिए वो रिपेयर नहीं होता है, तो वो आपको नया ही डालना पड़ता है। और जब भी लॉक आप नया डालते हो तो जेन्युइन कंपनी का ही डालना चाहिए, क्योंकि लॉक एक एकदम सेफ्टी डिवाइस है। नहीं तो सादी कंपनी का डाल देते हो, ख़राब हो जाता है या फिर डोर वगैरह रनिंग में ओपन हो जाता है तो बहुत रिस्की रहता है। तो लॉक जब भी डाले तो ओरिजिनल कंपनी का ही डाले, और ओरिजिनल लॉक आपको पुडमू में काफ़ी सारे गाड़ी के, मतलब जितने भी गाड़ी है उनके ओरिजिनल लॉक मिल जाएंगे। तो पुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको इस ऐप में कई सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप आपकी कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका प्राइस क्या है, उसका पार्ट नंबर क्या है, ये सब देख सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको अगर स्पेयर पार्ट चाहिए तो मंगा भी सकते हो, घर बैठे बैठे स्पेयर पार्ट आपके घर में आ जाता है। जितने भी स्पेयर पार्ट है उसमें से मोस्टली स्पेयर पार्ट है वो 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं, और डिलीवर हो जाने के बाद भी अगर आपको वो स्पेयर पार्ट नहीं चाहिए, नहीं बैठ रहा है, तो आप 10 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो और अपना रिफंड ले सकते हो। तो काफ़ी कमाल का ये पुडमू ऐप है। तो ये पुडमू ऐप है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, साथ ही साथ इनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी देखो डोर का पैनल वगैरह प्रॉपरली फिट हो गया, अभी देखते हैं लॉक अनलॉक होता है क्या। देखो ऑपरेट करके बटन, ये देखो एकदम प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।